जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक है जैन तत्व ज्ञान। इसके ऊपर हम एक सीरीज बनाएंगे, एक कंटिन्यूएशन, एक वीडियोस बनाएंगे या पार्ट्स में बनाएंगे इसको, क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला है। जैन तत्व ज्ञान पे सबको कंफ्यूजन होता है, अरे क्या है, समझ में नहीं आता कुछ भी, बहुत टफ है, और आज के बच्चों को तो उसका नॉलेज ही नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं उसको बहुत ही सरल तरह से उसको पढ़े और समझे। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ लीजिए कि एक ये यूनिवर्स है, ओके? आप इसको चाहे मिल्की वे बोल दीजिए, यूनिवर्स बोल दीजिए, ये पूरा सृष्टि बोल दीजिए इसको, ठीक? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जैनोलॉजी में के हिसाब से अगर हम प्रश्न पूछे कि सृष्टि किसने बनाई, तो हम बोलते हैं कि ये सृष्टि अनादि से है, यानी जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और कब तक रहेगी, अनंत काल तक रहेगी, जिसका कोई एंड नहीं है, यानी स्टार्टिंग नहीं है, एंड नहीं है, ओके? अभी जैसे दूसरे धर्म वाले भी है, वो लोग कोई बोलेंगे कि भाई ये सृष्टि किसने बनाई, तो ब्रह्मा जी ने बनाई। अच्छा भाई, तो दूसरा प्रश्न उठता है, ब्रह्मा जी को किसने बनाया? अरे वो तो पहले से ही थे, यानी कहीं ना कहीं उनको भी रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका भी जवाब नहीं है। कोई कोई बोलेंगे भाई हमारे भगवान के बंदों ने यहाँ पे भेजा और उन्होंने किया, ये सब बंदे हैं, हमारे भगवान के बंदे हैं। अच्छा ठीक है, बंदे को भगवान ने बनाया, सृष्टि भगवान ने बनाई, भगवान को किसने बनाया? नहीं, वो तो पहले से है। तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, जवाब नहीं है। तो जैनोलॉजी में क्या जवाब दिया है कि ये सृष्टि किसी ने नहीं बनाई है, ये पहले से है। कब से है? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी, ये याद रखना है हमको। इस सृष्टि को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है लोक और एक है अलोक। लोक मतलब जहां पे संसार, जहां हम सब जीव सब रहते हैं, वहां पे लोक। और अलोक में जीव कुछ भी नहीं है, सिर्फ आकाश ही है और कुछ भी नहीं है वहां पे, ना जीव है ना पुद्गल है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये जो भी लोक है पूरा का पूरा ये संसार है। तो ये लोक और अलोक में, यहाँ पे कोई संसार नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई साधन नहीं है, ओके? अलोक। अभी लोक में भी छह मुख्य चीजें हैं, छह द्रव्य बोलते हैं हम जैनों में, छह द्रव्य है। कौन से हैं? पहला तो जीव, दूसरा पुद्गल। जीव और पुद्गल तो समझ में आता है, जैसे मैं जीव हूं, आप जीव है, सब हम सब जीव है, हम में वो चेतना है, हम में वो सुख दुख की फीलिंग है, हमको ज्ञान है हमारे में, ओके? ऐसा नहीं कि बाकी पांच भी पावरफुल नहीं है, उनके उनके भी पावरफुल है, वो हम आगे देखेंगे, उनके गुण और ये सब देखेंगे आगे। तो ये जीव हो गया और पुद्गल, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, ये पेन हो गई, ये बोर्ड हो गई, जितने भी चीजें हमको दिखती है, फर्नीचर हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, दुनिया में जितनी भी चीजें दिखती है ना, वो सब पुद्गल है। अच्छा, और हम जीव है जो ये सब देख रहे हैं। तीसरा धर्मास्तिकाय, चौथा अधर्मास्तिकाय, पांचवा काल और छठा आकाश। इसको समझने के लिए पंडित सुमत प्रकाश जी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उनकी जैन सिद्धांत प्रवेशिका, कभी सुनना, मैं रेकमेंड करूंगा, उसमें एग्जाम्पल देते बहुत बढ़िया है। अभी देखिए, ये मैंने एक उंगली हिलाई, बरोबर है? मैंने क्या बोला? मैंने एक उंगली हिलाई, याद रखना है पॉइंट, मैं फिर से पूछूंगा। ये उंगली हिली, इस उंगली हिली ना, इसमें सारा लोक आ गया, पूरा डेफिनेशन आ गया इसमें। कैसे आया? जीव तो समझ में आया मैं हूं, ये उंगली समझ में आई कि ये उंगली पुद्गल है, जीव हूं, ये बॉडी पुद्गल है। अच्छा, अब ये जो उंगली घूमी ना, ये किसकी हेल्प से घूमी, किसकी मदद से घूमी, किसकी पावर से घूमी? तो ये है धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय कोई भी जीव और पुद्गल को घूमने में मदद कर दे, उसको धर्मास्तिकाय बोलते हैं, वो एक फोर्स है। अच्छा, घूमते घूमते देखो, मैंने कहीं रुक गई, अभी ये पेन थी वो पेन कहीं रुक गई, यहाँ पेन देखो ये रुकी पड़ी है, ये चल रही है, ये रुकी है ना, तो ये रुकी कैसे, ये किसकी मदद से रुकी, कौन सी ताकत से रुकी? तो ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है अधर्मास्तिकाय। सो जैसे रेलवे ट्रैक है, वो ट्रैक तो है, वो अगर उसमें ट्रेन जाती है तो चलने में धर्मास्तिकाय मदद करती है, अगर ट्रेन रुक जाती है तो उसको अधर्मास्तिकाय उसको रुकने में मदद करती है, ओके? पांचवा है काल, उसको टाइम बोलिए।
परिवर्तन जो हो रहा है संसार में पूरा, ये टाइम की वजह से हो रहा है। अगर टाइम नहीं हो तो परिवर्तन भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खेती में, खेती से गेहूं बनते हैं, गेहूं से आटा बनता है, आटा से रोटी, रोटी लोट बनता है, लोया बनता है, और लोया से फिर रोटी बनती है। तो ये जितना भी परिवर्तन हुआ गेहूं से लेके रोटी तक का, और इसमें टाइम गया और परिवर्तन हुआ, इसको काल बोलते हैं। ओके, और इन पांचों द्रव्यों को, इन पांचों द्रव्यों को रहने की जगह किसने दी, इन पांचों को रहने की जगह किसने दी, तो आकाश ने दी। लो भाई मेरे घर में रह जाओ, ये इतना बड़ा साइंस है। अच्छा, अभी कोई सातवां अगर आपके पास कोई द्रव्य दिखे आपको, बड़े बड़े ज्ञानियों ने ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं दिखा, ये छह द्रव्य ही दिख रहे हैं पूरी पूरे के पूरे लोक में। ओके, तो इसके अलावा अगर कोई सातवां है तो मेरे कमेंट में आप जरूर मुझे बताइएगा। अच्छा, अभी ये छह को हटा के कोई पांच कर देते हैं अपन, सिर्फ पांच जीव को हटा दो तो संसार रहेगा। जीव हट गया तो खत्म, संसार ही खत्म। अगर जीव हट गया तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। कौन ये सब देखेगा एनवायरमेंट, कौन ये देखेगा ये फ्लावर्स, गार्डन, दरिया, सूर्यास्त, कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, तो जीव तो बहुत इंपॉर्टेंट है संसार चलाने के लिए। पुद्गल, पुद्गल को हटा दे तो भी पुद्गल ही हट गया तो फिर बचेगा क्या, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, मतलब घर कैसे होगा, ये फर्नीचर कैसे होगा, ये सब चीजें कैसे होगी। तो पुद्गल भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी नहीं हटा सकते हो। अच्छा, धर्मास्थिकाई को हटा दो, वो भी नहीं हटा सकते क्योंकि फिर तो कोई चीज मूव ही नहीं होगी। आज अभी मैं चल के अभी बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसे हाथ हिल रहा है मेरा, ये हिलेगा ही नहीं, ऐसे ही खड़ा रहेगा। ओके, कोई मदद करने वाला नहीं है धर्मास्थिकाई, तो ये हिलेगा भी नहीं है फोर्स से। अच्छा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अधर्मास्थिकाई को निकाल दो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो रहा नहीं रहा तो हम सिर्फ घूमते ही रहेंगे, कहीं पे भी खड़े ही नहीं होंगे, सारी चीजें घूमते ही रहेंगे। हमारी तिजोरी होगी वो भी तिजोरी भी घूमती रहेगी, कहीं एक जगह पे खड़ी नहीं होगी। तो अधर्मास्थिकाई को भी नहीं निकाल सकते हो। काल, टाइम, परिवर्तन तो संसार का नियम है, बोलते हैं ना प्रोवर्ब है, तो उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो गेहूं गेहूं ही रहेगा, लड़का लड़का ही रहेगा, बुढ़ापा बुढ़ापा ही रहेगा, कोई नया जनरेशन आएगा ही नहीं, कुछ भी रोटेशन उसमें कुछ भी नया चीज परिवर्तन ही नहीं होएगा, तो इसको भी नहीं निकाल सकते हैं। और सबको रहने के लिए, अगर आकाश को निकाल दें हम, तो सबको रहने के लिए जगह उसी ने दी है, तो उसी को कहां निकाल के कहां फिर हम लोग कहां रहेंगे, बाकी पांच द्रव्य है वो कहां रहेंगे। तो ये छह के छह इंपॉर्टेंट है, ये छह के बिना काम नहीं चल सकता है। ओके, लेकिन अभी क्या हो गया है, शॉर्ट में बता रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। ये उंगली हिलाई ना, ये उंगली छो की छो मदद से हली है। जीव था, पुद्गल था, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, काल और आकाश जगा दी है। छो की मदद से जितने भी काम होते हैं इस दुनिया में, ये छह द्रव्य से ही होते हैं, इसके अलावा काम नहीं होता है। लेकिन ये जीव है ना थोड़ा होशियार है, इसी में है ना थोड़ा चेतना गुण है, एक स्पेशल गुण है जो बाकी पांच में नहीं है। ओके, वो थोड़ा होशियार है तो क्या बोलता है, अरे इनको क्या मालूम है, वो क्या बोल देता है, ये सब काम मैंने किया है, मैंने उंगली चलाई, चली कैसे थी, छह द्रव्यों की मदद से चली थी, छह के छह की मदद से, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने उंगली चलाई, मैंने इतना कमाया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बस वहीं पे कर्म चिपक जाते हैं और हमको फिर संसार में घुमाते रहते हैं। तो ये आगे कर्म की थियरी में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा तत्व ज्ञान पढ़ते हैं। यहाँ पे छह हो गए, ये संसार है। अलोक, अलोक में सिर्फ आकाश है और कुछ भी नहीं है, ये बाकी पांच द्रव्य नहीं है, इतना याद रखना है। तो इसलिए हमने स्प्लिट कर दिया, अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो अभी हमने दो वर्ड पढ़े, हमने अभी अनादि और अनंत, ये सब टिपिकल वर्ड्स है। ओके, ये सब हमको याद रखना पड़ेगा। आप मेरी हिंदी पे थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, और आज बहुत वर्षों के बाद मैं हिंदी लिख रहा हूँ। आजकल टाइपिंग का जमाना हो गया, वो भी सब अंग्रेजी में करते हैं हम लोग, तो हिंदी को थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो भी माफ करना। तो अनादि में तत्व पकड़ना, अर्थ पकड़ना, क्या कहने का आशय है उसको पकड़ना। अनादि मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है उसको आदि, आदि बोलते ना, आदि जहां से स्टार्ट हुआ है। अनादि अ आज्ञा मतलब जहां से किसकी स्टार्ट नहीं हुआ है और अनंत काल तक रहेगा। ओके, अनंत को अनंत भी, ओके, अनंत काल तक रहेगा।
तो अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अंत बोलते एंड, अनंत आ गया तो अनंत, ये वर्ड याद रखना है, अनादि और अनंत। तो अच्छा ये लोक, लोक का क्या होगा जब यही अनादि अनंत है तो ये भी क्या हो जाएगा, अनादि अनंत, लोक भी पहले से है और हमेशा रहेगा, अलोक भी पहले से है हमेशा रहेगा। अच्छा ये छह द्रव्य का क्या होगा, ये छह द्रव्य का एक ये कब से है, ये भी अनादि से है, कब तक रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे, अनादि अनंत बोलते हैं इसको। अच्छा इनका कभी भी विनाश नहीं होगा, ये अविनाशी है। देखो अभी नया नया वर्ड आया, अविनाशी, अविनाशी ई की मात्रा थोड़ा समझ लेना, जैसे विनाशी होता है, जो विनाश होता है, अ आ गया मतलब नहीं होगा, यानी एक चीजों का, छह की छह चीजों का विनाश नहीं होगा, अविनाशी है। ऐसे कॉमन गुण से हम आगे भी और भी पढ़ेंगे, सिर्फ शॉर्ट में बोलता हूं। तो और एक है, और एक इन सब में कॉमन क्या है, इसमें पांच गुण जो है ना वो इनविजिबल है, हालांकि छो के छो इनविजिबल है, उसको आप, हम हिंदी में बोलते हैं अरूपी है, अरूपी है, अरूपी यानी रूप, रूपी मतलब दिखने, रूप दिखता है जिसका, और अ आ गया तो नहीं, नहीं दिखता है तो अरूपी है। इसमें एक एक पुद्गल ही है जो दिखता है, लेकिन वो भी एक्चुअली देखा जाए पुद्गल का, हमको आज फर्नीचर ये सब देख रहे हैं ना, पेन देखा, ये पेन हमको दिख रही है, लेकिन ये पेन भी अगर इसका भुक्का भी कर दो ना, और जिसका एकदम माइन्यूट से माइन्यूट जो स्कंध होता है, वो जो नहीं दिखाई देता है हमारे आंखों से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जिसका फिर भाग नहीं हो सकता ना, उसको पुद्गल कहते हैं। ये तो पुद्गल मिल मिल के एक चीज बनती है, चाहे कुछ भी ले लो, फर्नीचर ले लो, टीवी ले लो, सब पुद्गल मिल के एक चीज हम बोलते हैं उसको। तो वो एक ही चीज है जो रूपी है, बाकी सभी चीजें अरूपी है, तो हम आत्मा है वो दिखाई नहीं देता है। अभी हमारी श्रेणी किस में आती है, हम लोग जीव में आते हैं, जीव। तो मैं यहाँ पे ज्यादातर बातें जीव की ही करूंगा, ओके, हम जीव का ही ज्यादातर पढ़ेंगे, और क्योंकि पुद्गल हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी भी बातें आएगी, जीव और पुद्गल की, और इसकी हम बहुत ही थोड़ी थोड़ी टच करेंगे। तो ज्यादातर हम बातें अभी आगे तत्व ज्ञान में जीव की बातें करेंगे। अभी हम जीव द्रव्य की बात करते हैं, जो जीव है, हम सभी जो जीव है, वो इसमें पांच सेंस के जीव हो सकते हैं, वो आगे के चैप्टर में हम देखेंगे, वन सेंस, टू सेंस, थ्री सेंस, फोर सेंस, फाइव सेंस, हम पांच सेंस वाले हैं। अगर जीव में भी सबसे पहले आता है अव्यवहार राशि, अव्यवहार राशि में इतने जीव है, इतने जीव है कि वहां तक तो साइंस ही नहीं पहुंचा है। एक अंदाजन में बोला जाता है कि हम अगर एक बार श्वास लेते हैं, अभी जैसे एक बार श्वास और श्वासोश्वास हुआ हमारा, उसने में तो वो 16 बार मर चुके और 17 बार जन्म ले लिया, या वाइस वर्सा होगा, लेकिन इतने समय में ऑलमोस्ट 16 बार जन्म मरण तो हो ही जाता है इनका। अब बोलो इतना वहां पे पीड़ा है, और एक ही बॉडी है, और उसमें इतने ठूस ठूस के भरे पड़े, क्या बताएं अभी। तो और वहां से कोई निकलना और व्यवहार राशि में आना, संसार में आना ठीक से, हाँ वो कभी आ सकता है कि जब यहां से व्यवहार राशि से एक जीव निकल के सिद्ध हो जाता है, जो मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है, एक जीव उधर से जाता है तब एक जीव इधर से एक्सपोर्ट होता है। और एक बार अगर एक्सपोर्ट हो गया ना, फिर यहां से यहां पे इम्पोर्ट नहीं है, तो अव्यवहार में से एक बार आएगा तभी वो मोक्ष में जा पाएगा, नहीं तो हम मोक्ष में नहीं जा पाएगा। हमारे नौकार मंत्र में महामंत्र है, नौकार मंत्र हमारा, वो महामंत्र में हम पहले क्या बोलते हैं, नमो अरिहंतानम, हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको धर्म की प्रभावना दी, हमको धर्म बताया सही मार्ग कौन सा है, जहां से हमको मुक्ति मिलेगी और हम मोक्ष को जा सकेंगे, इसलिए हम उसको नमस्कार करते हैं गुरु की तरह। फिर बोलते हैं नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम ने क्या उपकार किया, ये तो यहाँ पे थे सिद्ध हो गए, तो इन्होंने क्या उपकार किया कि हम उनको नमस्कार करें, तो इनका ये उपकार हुआ क्योंकि ये सिद्ध हुए तभी जाके हम बाहर निकले, अव्यवहार से व्यवहार राशि में आए, ये इनका बहुत बड़ा उपकार है। अगर ये सिद्ध नहीं हुए होते तो हम अभी भी अव्यवहार राशि में ही पड़े रहते, और हम व्यवहार राशि में
नहीं आते। और आज हम ये जो ये है हम लोग उन नए संसार में होते ही नहीं हम लोग एक तरह से, तो इसलिए इनका बहुत बड़ा उपकार है। और हमको भी किसी पे ये उपकार वापस करना है कि नहीं करना? किसी ने हम पे उपकार किया, वो सिद्ध हो गए, तो हमको भी तो भाई वो वापस देना पड़ेगा, हमको भी तो सिद्ध होना पड़ेगा ना, तो कोई बाहर आ पाए। अभी व्यवहार राशि में भी जब वो आता है अव्यवहार से, तो उसको पहले निगोद में मिलता है, निगोद यहाँ पे व्यवहार राशि में भी हम आते हैं ना, तो जीव पांच तरह के डिवाइड कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन। एक सेंस वाले जिसको सिर्फ टच, यू कैन ओनली टच, बॉडी है बस उसके पास, बॉडी पूरा। दो सेंस वाले भी जीव होते हैं जिसको बॉडी और टेस्ट होता है। तीन सेंस वाले भी जीव होते हैं जिसको बॉडी, टेस्ट और स्मेल होता है। देखो नीचे से ऊपर जाना है और कुछ नहीं है। चार सेंस बोले तो कोई टच, टेस्ट, स्मेल, वेरी गुड, एंड सी, ओके, देख सकते हैं। अगर पांच सेंस हो तो टच, टेस्ट, स्मेल, सी एंड हियर, ओके, सुन सकते हैं। तो ये पांच है, पांच की भी क्या होगा, स्पर्शेंद्रिय। टच को क्या बोलते हैं, स्पर्शेंद्रिय। टेस्ट को रसनेन्द्रिय, रस बोलते हैं, रस। देखो ये सब इजीली अपन सीख सकते हैं। दानेन्द्रिय, ओके, उपेन्द्रिय, सोतेन्द्रिय, ओके, रूप, स्रोत, आवाज आता है, हियर, वो सब है। वैसे ये पांच वर्ड भी देखो शास्त्रिक वर्ड है, ये सब हमको आ गए। अभी एक इंद्रिय में भी दो डिवाइड होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है प्रत्येक। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो एक साधारण मतलब एक ग्रुप है और प्रत्येक मतलब एक इंडिविजुअल है। अभी निगोद क्या है इसको समझते हैं। तो जो एक सेंस वाले होते हैं, पेड़, फल, सब्जियां, ये सब को एक जीव है, एक बॉडी है। यहां से लेके यहां तक ये जितने भी 5 sense, 4 sense, 3 sense, 2 sense और प्रत्येक इंद्रिय है, एक इंद्रिय, इनको एक बॉडी, एक सोल, एक सोल को एक बॉडी मिलता है। जैसे मैं हूं तो मुझे एक बॉडी मिली है। मेरे अंदर अगर कोई जीव है, बैक्टीरिया है, तो अगर वो दो इंद्रिय है या तीन इंद्रिय है, तो उसको भी उसकी खुद की बॉडी है। खुद की बॉडी मतलब खुद की एक सिस्टम है, अलग से किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। और निगोद में क्या होता है, बॉडी एक ही है लेकिन अनंत जीव उसमें भरे पड़े, अनंत जीव एक ही बॉडी के अंदर। जैसे एक ही एक जेल है, उसके अंदर अनंत, अनंत मतलब जिसकी काउंटिंग नहीं हो सके, एंडलेस, ओके, अनंत ऐसे जीव एक ही बॉडी में है। तो अभी प्रश्न आएगा कि जैन आलू क्यों नहीं खाते हैं, जैन लोग जमींदकंद क्यों नहीं खाते हैं, तो आप क्यों जवाब दोगे? ओके, देखो जो हम लोग है ना, जीने के लिए हमको खाना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक का उपवास कर लोगे, ज्यादा ज्यादा और भी कोई होगा एक्सेप्शनल केस तो उसको थोड़ा खींच लेगा, लेकिन ज्यादा नहीं खींच सकता है। शरीर का भी एक धर्म है, आपको जीना है तो खाना पड़ेगा, ओके, और आपको तो ही साधना कर पाएंगे, तो ही हमारी भी मुक्ति होगी। तो कहीं ना कहीं हमको हिंसा करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी वजह से, खाने की वजह से। लेकिन ऐसा क्या करें कि जिसमें कम से कम हिंसा हो, उसको अहिंसा कहते हैं, ओके। अहिंसा मतलब ये नहीं कि किसी को हम नहीं मारेंगे, हमारे देश पे भी कोई दुश्मन आ गया तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे धर्म पे भी आफत आ गई तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, गला भी काट देंगे, ओके। हम सब कौन है, क्षत्रिय है, पूर्वज हमारे सब क्षत्रिय थे, तो इतना याद रखना है। अभी मैं वो टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, दूसरे टॉपिक में सुनाया हुआ है, तो उसमें डर वो वैसे अहिंसा नहीं देखनी है। अहिंसा का मतलब है हम जितना हो सके उतनी कम से कम हिंसा करें, ओके। तो हम जैन लोगों ने क्या किया, खाना तो पड़ेगा जीने के लिए, उसके बिना तो चलेगा नहीं। तो ये जो दो इंद्रिय से लेके है 5 इंद्रिय तक का, तो हम खाएंगे ही नहीं बोल दिया। 2 sense से 5 sense तक का हम उसको अभक्ष्य बोल दिया, अभक्ष्य, भक्ष्य मतलब खाने जैसा, अभक्ष्य मतलब नहीं खाने जैसा, ओके, भक्ष्य ही नहीं है वो, अभक्ष्य है, उसको बोल दिया हमने, बोलो अभी हम। तो अभी एक इंद्रिय, चलो एक इंद्रिय खाएंगे हम, तो एक इंद्रिय में भी दो ग्रुप है, तो हम प्रत्येक है उसको खाएंगे। फिर पर्यूषण आता है, तो पर्यूषण में भी हम क्या करते हैं, ये
एक इंद्रिय भी है ना, उसको भी नहीं खाते हम, पल्सेस को खाते हैं जिसमें कोई जीवात नहीं है। ओके, मकसद ये है कि सबको जीवन दान देना है, सबको अभय दान देना है, अपने खाने के लिए, अपने टेस्ट के लिए हम किसी का हनन क्यों करें। अच्छा, तो आलू क्यों नहीं खाते हैं जैन लोग? क्योंकि अगर एक बॉडी काटते हैं ना किसी का, तो उसमें अनंत जीवों की हनन हो जाता है, अनंत जीव मर जाते हैं। इसलिए हमारे खाने के लिए, एक टेस्ट के लिए हम क्यों इतने लोगों को मारे। दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि भाई तो फिर दवाइयां क्यों खाते हो? दवाइयां खाते ना अपन, और इसकी बहुत सारी दवाइयां बनती है, अदरक है, आदू और लहसुन है, हल्दी है, एंटीसेप्टिक है। ओके, तो इसके भी क्या प्रोसेस है? तो एक प्रोसेस है जिसमें अगर सूखा हुआ है तो उसमें कोई जीवात नहीं है तो उसका वपरास लेते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसे करने दीजिए, अगर आपको बुखार आया तो आप कौन सी दवा लेते हो? क्रोसिन है, डोलो है, कोई भी एक दवाई लेते हैं बुखार की, बुखार चला जाए करके। अच्छा, एक बार आपको अगर बुखार चला गया, फिर आपको बोले खाना, गोली खाना अच्छी है, मीठी है, खा ले, खाएंगे क्या हम? बोलेंगे पागल है क्या, मेरे को थोड़ी बुखार है, मैं क्यों खाऊं क्रोसिन, मैं क्यों खाऊं डोलो जब मेरे को बुखार ही नहीं है। तो ठीक वैसे ही है, अगर आपको कभी कोई बुखार है, कोई मजबूरी है और आप खा रहे हो, वो एक अलग चीज हो गई, उसमें इतना पाप नहीं लगता है। ओके, आपका शरीर धर्म बचाने के लिए आप कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो और आप सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खा रहे हो तो वहां गड़बड़ है, वहां आप इतने का हनन कर रहे हो, पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ओके, ये हमेशा याद रखना है। तो टेस्ट के लिए हमको नहीं खाना है। हाँ, तो हमको याद रखना है हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, ये हमेशा याद रखना है। और जीने के लिए भी खाएंगे, लेकिन जिसका जो डेवलप्ड हुआ है, कोई एक सेंस से दो सेंस पे गया तो उसका डेवलपमेंट हुआ है वो जीव का, दो से तीन पे गया है, तीन से चार गया है, चार से हम पंचेंद्रिय, तो जानवरों से हमारा डेवलपमेंट है आज हमारी आत्मा का, तो हम एटलीस्ट जो डेवलप्ड हो गए हैं उनको नहीं खाएंगे। ओके, खाने के लिए नहीं खाएंगे, जीने के लिए इतना भी पर्याप्त है। ओके, इतना हमेशा याद रखना है हमको, सबको हो सके उतना अभय दान देना है, हमारी वजह से किसी की भी जान नहीं जाए, हो सके उतना ध्यान रखना है, एक इंद्रिय का भी ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सृष्टि। ओके, सृष्टि किसने बनाई? हम एज्यूम करते हैं कि किसी ने नहीं बनाई है, जब हमको केवल ज्ञान होगा तब मालूम पड़ जाएगा। ओके, कब से है सृष्टि? अनादि से है। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी, तो अनादि अनंत। फिर सृष्टि के बाद हमने देखा उसको दो डिवीजन किया, लोक और अलोक। लोक कब से है? वो भी अनादि अनंत। अलोक भी कब से है? अनादि अनंत। ओके, अभी लोक में भी हमने फिर छह द्रव्य को बारे में विचारा, कौन से छह द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश। जीव तो हमको मालूम है, हम सब जीव है, चेतना है। पुद्गल, पुद्गल के बारे में भी हमने थोड़ा सोचा, जितनी भी दुनिया में चीजें दिखती है ना, वो सब पुद्गल है। ओके, जितनी भी कोई भी ले लो आप उसमें। फिर धर्मास्तिकाय हमको मूवमेंट में मदद करते हैं, रेल की पटरी है, वो पटरी कुछ नहीं करती है, लेकिन अगर आपको मूवमेंट करना है, ट्रेन को चलना है, तो पटरी महत्वपूर्ण है, वो सहायता करती है। वैसे ही धर्मास्तिकाय कुछ करता नहीं है, अधर्मास्तिकाय भी कुछ करता नहीं है, वो रेल की पटरी की तरह है, ऐसे ही है। लेकिन हमको अगर मूव करना है जीव और पुद्गल को, या रुकना है, तो उसमें मदद करते हैं। ओके, अधर्मास्तिकाय रुकने में मदद करते हैं। काल, परिवर्तन में मदद करते हैं, परिवर्तन होता है टाइम। और आकाश, रहने की जगह दी है। आकाश कहां स्टार्ट होता है, कहां एंड होता है? उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, फिर उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वैसा अनंत है वो भी। पूरी सृष्टि में सिर्फ छह ही द्रव्य है, सातवां कोई द्रव्य नहीं है, और ये छह में से एक को निकाल दो तो भी काम होने वाला नहीं है। तो पूरी सृष्टि में सारे काम छह द्रव्यों से ही होते हैं। जीव थोड़ा होशियार है तो
तो ये जो छह जन का टीम वर्क था उसने अपने नाम पे ले लिया, क्रेडिट पूरा अपना ले लिया, इसलिए उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसलिए वो संसार में घूम रहा है। छह के छह द्रव्य अरूपी है, उसमें पुद्गल रूपी है, बाकी पांच अरूपी है। पुद्गल भी लेकिन एटम होता है, हमारी आंख से नहीं देख सकते, इतना छोटा सा होता है, वो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं अपन, बाकी ऐसे नहीं देख सकते हैं। ओके, और अरूपी है इसलिए अस्पर्शी भी है, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते बाकी पांच को। आप पुद्गल को तो टच कर सकते हैं अपन, बाकी सब जो भी उसको भी उतना मिला हुआ है तब जाके, लेकिन बाकी सबको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, बाकी पांच को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, अरूपी है। फिर अविनाशी है, अनादि से है, अनंत तक रहेगा, इसलिए ये सारे के सारे अविनाशी है, याद रखना है अविनाशी, इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे। और अलोक में कितने द्रव्य है, अलोक में सिर्फ एक ही द्रव्य है, आकाश, और वहां पे कोई भी जीव सृष्टि के कुछ भी नहीं है। जब एक जीव सिद्ध होते हैं व्यवहार राशि से, तभी अव्यवहार से एक जीव व्यवहार राशि में आता है, तो अव्यवहार से एक्सपोर्ट होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा व्यवहार से अव्यवहार में वापिस नहीं जा सकते हो, इम्पोर्ट नहीं होता है। जब व्यवहार में आ जाते हैं तो कहां आते हैं, पहले निगोद में आते हैं, निगोद में। इसमें और एक प्रश्न है कि जीव और पुद्गल ये आपको साथ में भी दिखते हैं कहीं कहीं पे, कहीं अपन सभी देखे, और फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, लैपटॉप से कैमरा है, ये सब आपको अलग अलग दिखेंगे, लेकिन मैं हूँ जीव और मेरी बॉडी, ये देखो एक साथ दिख रहे हैं ना, आप भी एक साथ दिख रहे हैं, जानवर भी एक साथ दिख रहे हैं, तो ये दोनों चिपके हुए हैं। ये कब से चिपके हुए हैं एक दोनों, एक दो, तो ये भी अनादि से है। ओके, कब से है, अनादि से, जिसकी कोई आदि नहीं है। कब तक चिपके रहेंगे, अनंत काल तक नहीं चिपके रहेंगे। ओके, इसमें अगर हमको सिद्ध होना है तो हो सकते हैं, आत्मा और शरीर दोनों अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोना होता है, डायमंड होता है, या तो वो पहले क्या होता है, पत्थर होता है। आप देखो ना तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि ये सोना है कि पत्थर है, जो ही समझ सकता है। ओके, तो एक उसको पत्थर को वो लोग साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, सब अलग करते हैं, फिर आग में तपाते हैं, फिर उसमें वो चमक आती है, तब जाके वो सोना बनता है। वैसे ही हम भी जो इसके अंदर फंसे हुए हैं अभी, इस पुद्गल के अंदर, तो ये प्रोसेस करने के बाद हम इसको अलग हो सकते हैं। वो सोने को पत्थर में किसने जाके डाला था, किसी को नहीं मालूम, वो खान में कौन डाल जाके डाल के आया था सोने को, तो वो अनादि से समझिए, तो लेकिन वो अलग हो सकते हैं। अलग होने का भी एक प्रोसेस है, उसको जैनोलॉजी में है 14 गुण स्थानक बोलते हैं, बहुत अच्छा है वो भी, एक बार पढ़ने जैसा है। तो ये भी एक नया वर्ड है हमारे लिए, 14 गुण स्थानक, 14 गुण स्थान। ये पढ़ने जैसा है। ओके, स्टेप्स है इंप्रूवमेंट के। अव्यवहार राशि से जीव निकल के पहले निगोद में आता है। ओके, और फिर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ता है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, पेड़ पौधे, फिर आगे बढ़ता है, बे इंद्रिय, दो इंद्रिय मिलती है, तीन, चार, पांच। देखो ये भी शास्त्रीय भाषा है, यह में हम पढ़ते हैं, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रय इंद्रिय, चौरी इंद्रिय, पंच इंद्रिय। देखो ये भी शास्त्रीय भाषा हमको आ गई, वही है 1 sense, 2 sense, 3 sense, 4 sense, 5 sense। तो फिर हमने पढ़ा कि जैन लोग जो भी स्थूल है, मतलब दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय तक वो सब दिखते हैं, उसको हम नहीं खाते हैं, उसको तो त्यागी कर दिया है, तो जीने के लिए खाना पड़ेगा, लेकिन एक इंद्रिय भी पर्याप्त है, उतना भी मिल जाता है, सब्जी फल या पल्सेस भी खाके कर सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा। और हो सके तब तिथि हो, पर्यूषण हो, फेस्टिवल हो, तब हम इनको भी अभयदान देते हैं, एक इंद्रिय भी नहीं खाते हैं, पल्सेस खाते हैं। ओके, और हमने ये भी पढ़ा कि निगोद में एक बॉडी में अनंत जीव रहते हैं, तो अगर एक निगोद को हम काटते हैं, चाहे फिर वो प्याज हो, लहसुन हो, कैरेट हो, बीटरूट हो, ओके, तो आपने अनंत जीव को मार दिया। तो टेस्ट के लिए नहीं करना है, खास करके यही रखना है, श्रावकों के लिए तो टेस्ट के लिए मना बोला है, बाकी आपको दवाई ये करना है तो छूट है श्रावक के लिए, साधु के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है।
तो अभी हम फिर पार्ट टू में और भी आगे पढ़ेंगे जीव के बारे में। जय जिनेंद्र।